हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं आज बनाने वाली हूँ शाही पनीर। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज ले लिया और 3 टमाटर। पहले मैं इसको कट कर लूँ, इसके बाद मैं बताती हूँ क्या करने वाली हूँ। आइए पहले मैं कट कर लेती हूँ। देखिए मैं प्याज जो है कट कर रही हूँ, उसको बाद में टमाटर भी कट कर लेंगे। देखिए प्याज मैंने कट कर लिया, जो मीडियम साइज के 2 प्याज लिए थे मैंने, दोनों प्याज को मैंने कट कर लिया। अब मैं टमाटर को भी कट कर लूंगी। अब देखिए मैंने दोनों प्याज को भी कट कर लिया और जो मैं 3 टमाटर ली थी छोटा छोटा उसको मैंने कट कर लिया। अब मैं गैस को ऑन करूंगी और कढ़ाई चढ़ा दूंगी। तो देखिए फ्रेंड, मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा लिया, अब गैस मैं ऑन कर लूंगी। मैंने गैस ऑन कर लिया, अब मैं इसमें रिफाइंड डालूंगी। जब थोड़ा सा कढ़ाई गर्म हो जाएगा मैं इसमें रिफाइंड डाल दूंगी। वैसे शाही पनीर जो होता है रिफाइंड में बनता है, मैं रिफाइंड से बनाऊंगी। थोड़ा सा कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसके बाद जो मैं हूँ रिफाइंड डालूंगी। तो देखिए फ्रेंड, मेरा कढ़ाई गर्म हो गया, मैं अब इसमें रिफाइंड डालूंगी। मैं इसमें रिफाइंड डाल दी, अब रिफाइंड थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं उसमें डालूंगी। देखिए इसमें है थोड़े बहुत जीरा और काली मिर्च, 4-5 काली मिर्च होगा और 2 सूखा मिर्च मैंने तोड़ लिया है और थोड़ा सा दालचीनी ही है और 1 छोटी इलायची मैं कढ़ाई में डाल दूंगी। देखिए मैंने तेल गर्म हो गया तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया। अब मैं इसमें डाल दूंगी तेल में जीरा डालने के बाद मैं डालूंगी प्याज। अब मैं प्याज को हल्के सा फ्राई कर लूंगी। हल्का सा फ्राई हो गया प्याज, फिर मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। जो टमाटर मैंने काट के रखा था अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। टमाटर ज्यादा मन डालेगा नहीं तो शाही पनीर जो है वो खट्टा कम हो जाएगा, तो इसलिए नारियल से डाल दिया। बहुत कुछ काजू भी डालता है, मैं भी डालती हूँ, मेरा काजू खत्म हो गया इसलिए मैंने काजू नहीं लिया। बस मैं ऐसे ही बनाऊंगी ना काजू का। देखिए फ्रेंड, मेरा टमाटर प्याज हल्का सा फ्राई हो गया, तो मैं इसी में अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट इसी में डाल देंगे। मैंने 1/2 चम्मच अदरक के डाल दिए, एक चम्मच मैंने लहसुन को डाल दिया इसमें। अब जो मैं इसको फिर से चला दूंगी, अब मैं इसमें डालूंगी नमक। मैंने इस पर नमक डाल दिया, मैं एक ही बार में नमक डाल दूंगी इसमें, दोबारा नमक डालूंगी जब अगर सही होगा तभी डालूंगी, नहीं तो मैं इसमें नमक अभी डाल दूंगी। मैंने इस पर नमक डाल दिया, मैंने इसमें 1/2 चम्मच हल्दी,
दो चम्मच धनिया पाउडर, और आपको तीखा ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा ला सकते हैं मिर्च पाउडर, ये थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है इसलिए मैं एक दो किलो चम्मच मिर्च पाउडर डालूँगी। मैं इसको अच्छे से चला लूँगी। अब मैं इसको ढक दूंगी, ये धीरे धीरे पक जाएगा, प्याज जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें से जो है तेल निकल आएगा, तब मैं गैस बंद कर दूंगी। अब इसको ढक दूंगी, देखिए मैं इसको ढक दे रही हूँ, तो देखिए भी मैं ढकूंगी। अब जो मैं ढक्कन को खोलूंगी, खोल के थोड़ा सा ये चला लूंगी, और सारी पानी को थोड़ा बहुत लाने के लिए इसमें तीन टाइप के लगेगी, तो इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी, थोड़ा सा मैंने इसमें दूध डाल दिया। मैं इसको फिर से ढकूंगी, प्याज अभी तक गला नहीं मेरा, तो सर प्याज गलना चाहिए, तो मैं इसको फिर से ढक दूंगी। मैंने इसको फिर से ढक दिया, देखते हैं फ्रेंड मेरा प्याज कितना दूर फ्राई हुआ है। देखिए हाँ गल गया प्याज, जो मुझे चाहिए था जितना, देखिए प्याज सारे प्याज गल गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर अभी डाल दूंगी, क्योंकि ये सब ना पीसेगा मिक्सी में, पीसने के बाद कुछ ऊपर से निकाला जाता है ना, तो फिर मैं इसी में सब कुछ डाल दूंगी। तो ये हो गया, अब थोड़ा सा इसमें मैं गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी। देखिए फ्रेंड मैं जो हूँ इसमें भर के एक चम्मच और फिर आधा चम्मच मतलब डेढ़ चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया। अब मैं इसको पीछे चला दूंगी, बहुत ही शाही पनीर मसाला भी डालते हैं, तो हम घर पे खाना बनाते हैं ना, तो यही जो है गरम मसाला सब में यही मसाला जो है डालते हैं, तो ये गरम मसाला मैंने डाल दिया, तो मैं जो है शाही पनीर मसाला नहीं डालूंगी। देखिए मेरा हो गया, अब मैं इसको पीस लूंगी, थोड़ा सा ठंडा करके मैं इसको पीस लूंगी। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। देखिए फ्रेंड ये प्याज थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं मिक्सी में डाल के पीस लूंगी, ये मसाला पीसने के बाद मैं बाद में बताती हूँ उसके बाद क्या क्या हो करने वाली हूँ, तो फिर मैं पीस के फिर ये मसाला पीस के फिर मैं बताती हूँ। आई फ्रेंड अब मैं शाही पनीर बनाती हूँ, जो मैंने प्याज टमाटर सब डाल के फ्राई कर लिया था उसको मैंने पीस लिया, देखिए मैंने पेस्ट उसका बना लिया। देखिए अब मैं गैस को ऑन कर दूंगी, अब मुझे कुछ नहीं करना है, बहुत कोई जो है ना ये जो पेस्ट बना हुआ है इसको बहुत कोई है छान लेते हैं, ये पेस्ट जो बना हुआ है जो मैंने अभी बनाया इसको छान लेते हैं, लेकिन हम नहीं छानते, बिना छाने बनाते हैं, बिना छाने भी अच्छा लगता है, एक बार आप लोग बिना छाने बना के देखिए बहुत टेस्टी लगता है। तो अब बस कुछ नहीं करना है, बस मैं इस पेस्ट को डालूंगी और जो है मैं पानी डालूंगी और पनीर जो है मैं काट के पनीर लास्ट में मैं इसमें जो है ग्रेवी में पनीर डाल दूंगी। देखिए ये 100 ग्राम जैसे पनीर होगा, ये पनीर जो है ना मैंने घर में ही फाड़ा था, 1 किलो से थोड़ा बहुत ज्यादा दूध होगा, गाय का दूध जो मैंने घर पे फाड़ लिया था पनीर। देखिए इसको मैं कट कर लूंगी और बस ज्यादा कुछ नहीं है, ग्रेवी मैं डाल दूंगी पनीर का पीस तो बन जाएगा मेरा शाही पनीर। तो आइए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ।
देखिए फ्रेंड, कढ़ाई जो है गरम हो चुका है। अब मैं जो पेस्ट बनाई थी पेस्ट को जो है कढ़ाई में मैं डाल दूंगी। पेस्ट को मैंने डाल दिया, मैं थोड़ा सा चला लूंगी। पानी जो है ना वो अपने हिसाब से ही डालेंगे। आपको अगर ज्यादा ग्रेवी चाहिए तो ज्यादा पानी डालिएगा, अगर कम ग्रेवी तो कम। तो अंदाजे से डालिएगा पानी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें पानी डालूंगी। मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी जितना चाहिए आप लोग उस हिसाब से पानी डाल दीजिएगा। देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया। ज्यादा पतला भी नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा गाढ़ा होता है ना शाही पनीर, थोड़ा सा गाढ़ा होता तो अच्छा लगता। इसमें मैं और पानी नहीं डालूंगी, नहीं तो पतला हो जाएगा। और बीच बीच में ना थोड़ा चलाते रहिएगा। तो अब मैं इसको ढक दूंगी। ढकने के बाद जब ये थोड़ा सा उबाल जाएगा, बॉयल आएगा, ये एक बॉयल हो जाएगा, ये जब उबाल जाएगा एक बार, तो फिर जो मैं पनीर का टुकड़ा इसमें डालूंगी काट के। आइए फ्रेंड, अब जो है मैं पनीर को काट लेती हूँ। ये पनीर जो है ना मैंने घर में पाला था, आप लोग को बोले तो थे कि दूध जो है इतना सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि पनीर को ना पार के फिर मैंने थोड़ा सा पानी में इसको भिगो कर रखा था, क्योंकि अगर ऐसे ही रख दीजिएगा फ्रीज में कहीं पर ना तो ये सूख जाता है, तो फिर ये कड़ा कड़ा लगता है रबड़ जैसा, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा मैं पानी डाल के रखी थी। तो 1 किलो से ज्यादा, थोड़ा बहुत ज्यादा दूध था, तो मैंने ये घर में पा लिया। ये बहुत ही सॉफ्ट है, बाजार जैसा देखिए, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। और आप लोग को जानना है कि मैं कैसे ये पनीर दूध फाल के पनीर बनाए, तो आप लोग बताइएगा, मैं आप लोग को बताऊंगी कैसे मैंने पनीर बनाया। ठीक है, चलिए मैं काट लेती हूँ। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है ये, देखिए मैंने सारे पनीर को काट लिया। देखिए आप चाहे तो बड़े पीस में भी काट सकते हैं, छोटे में भी काट सकते हैं, जैसा आपका मन हो वैसा काट सकता है। देखिए मैंने सारे पनीर को काट लिया। देखिए अब मैं जो हूँ ढक्कन खोल के, देखिए ढक्कन खोल कर मैं पनीर डालूंगी। देखिए मैंने कहा था ना कि एक उबाल आ जाए तो फिर उसके बाद में पनीर डालूंगी। देखिए तो पनीर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, जिस वजह से टूटने का भी डर है, तो मैं ज्यादा देर तक पनीर को खोलाऊंगी नहीं, डाल के ही मैं जो है गैस बंद कर दूंगी, नहीं तो सारा पनीर इसमें टूट जाएगा। देखिए मैंने सारे पीसेस पनीर के इसमें डाल दिया। अब गैस ऑफ कर दूंगी, मैं ज्यादा चलाऊंगी भी नहीं। मैं गैस ऑफ कर दिया। अब जो है कसूरी मेथी मैं थोड़ा सा ऊपर से डाल दूंगी। ये मैं ऊपर से कसूरी मेथी डाल दी, कसूरी मेथी मैंने डाल लिया ऊपर से। अब मैं इसको ढक दूंगी, मैंने गैस ऑफ कर दिया। तो देखिए यम्मी यम्मी शाही पनीर बन गया मेरा, तो मैं इसको ढक दूंगी। तो फ्रेंड मेरा तो शाही पनीर बन गया। अब ये शाही पनीर के साथ घर पे रोटी भी बना सकते हैं, नॉर्मल चावल के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, जैसा आप लोग अच्छा लगे किसी भी चीज से आप खा सकते हैं। तो एक बार जैसा मैंने बनाया शाही पनीर, तो आप लोग भी एक बार बना के देखिए और खा के देखिए कैसा बनता है और खाने में कैसा लगता है, और फिर बाद में मुझे बताइएगा कमेंट में कैसे लगा आप लोग को शाही पनीर। तो आज के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।